आप मेरे बाप बनने की कोशिश भी मत कर लो, आप मेरी माँ कभी भी नहीं बन सकती हो। अगर आपने मेरे डैडू से शादी की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मेहर ने दिया आसमा को धमकी, अरमान और आसमा को दूर करेगी मेहर। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। उड़ाना सील में फिलहाल यहां पर हम देख ही रहे हैं कि मेहर की नफरत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अपने परिवार और आसमा को लेकर, स्पेशली आसमा और हानिया को लेकर, क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसके डैडी से उससे वो दूर कर रही है और सारा प्यार जो है वो अपनी तरफ ले जा रही है। और यहाँ पर ये क्या बात हुई है, ऐसे कैसे लोगों ने आसमा को चोर समझ लिया कि वो मेहर को किडनैप कर रही है? जंगल से आए थे क्या लोग? कुछ तो हुआ होगा ना, पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ आसमा बता, क्या हुआ, क्या था? नहीं वो एक्चुअली मेहर को आइसक्रीम खानी थी और मैंने मना किया तो वो गुस्सा होकर आगे भाग गई थी। मेहर को लगता है कि उसे अटेंशन बिल्कुल नहीं मिल रहा और इसी बीच आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहीं आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अरमान और आसमा की एनिवर्सरी चल रही है, सभी लोग यहाँ पर झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सभी घर वाले अपना अपना डांस परफॉर्मेंस देंगे और सभी घर वाले फिलहाल के लिए काफी ज्यादा खुश हैं। स्पेशली अरमान और आसमा यहाँ पर काफी खुश हैं क्योंकि उन दोनों की एनिवर्सरी और इसी बीच ये दोनों दोबारा से शादी करेंगे अपने एनिवर्सरी के दिन। मैं उसके पीछे भाग रही थी तो लोगों को लगा कि मैं शायद किसी का बच्चा ऐसे उठा रही, फिर पुलिस आ गई थी वहाँ तो। मतलब मेहर ने कहा नहीं कि तू इसकी माँ है? अरे ऐसे कैसे तुझे बच्चा चोर समझ लिया उन्होंने? नहीं वो मेहर थोड़ा घबरा गई थी लोगों को देख के, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। और पुलिस को देख के तो बिल्कुल ही डर गई थी। यहाँ पर एक एक्साइटिंग ट्रैक भी देखने को मिलता है जहाँ पर हम देखेंगे कि मेहर जो है वो आसमा को साइड में लेकर जाएगी और कहेगी कि आप मेरी माँ नहीं हो, आपने मेरे बर्थ के बारे में झूठ बोला, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। और वहीं आगे हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और सबको ये लगता है क्योंकि आसमा जो है वो किडनैपर है। मेहर आप मेरी बेटी हो, मैं आपकी माँ, आपको डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती, आपने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर आसमा जो है वो किडनैप हो जाती है लेकिन मेहर अभी तक अपना मुंह नहीं खोलती कि भाई वो मेरी माँ ही है, मैं उसे जानती हूँ। आगे हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अरमान पहुंचेगा और आसमा को बचा लेगा। अरमान यहाँ पर प्रूफ कर देगा पुलिस वालों को कि मेहर जो है आसमा और अरमान की ही बेटी है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में एक एक्साइटिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मेहर ने धमकी दी है आसमा को, वो कहती है कि अगर आपने मेरे डैडू से शादी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो दोस्तों अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मेहर की इस धमकी से अरमान और आसमा दूर जाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।